वर्तमान भारत मंडपमर जो मीडिया सेक्शन होइछि मीडिया सेक्शन रो मो डिजिटल इंडिया सेक्शन रहिछि कैमरा पर्सन आदित्य को कहबि कमलाकांत आपन को चित्र देखेबे ये होछि डिजिटल इंडिया रो गुटे ट्री शेप दिया जाइछि कमलाकांत एवं ई ट्री शेप रे आपन प्रतिटि जो डिजिटल इंडिया रो मोमेंट से एआई कथा कोंतु डिजी लॉकर कथा कोंतु किबा इंटेलिजेंस सिस्टम कथा कोंतु एवं जो गुटे आगुरु सबुठु बडो समस्या थिला भारतवासीकर लैंग्वेज प्रॉब्लम तेणु जोटा कि किसी दिन पूर्व केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ता विषय में सूचना देते जे आउ लैंग्वेज बैरियर हो कि रही ना एनईपी से ही कथा को कमलाकांत प्राधान्य दि जाइए आपन देखिपे ये एमती एक आप लॉन्च करने को जाऊँ भारत सरकार जो थे अति इजी रे आपण जेकोसी लैंग्वेज को कट करेंगे निज लोकल लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज भारत जो संविधान स्वीकृत होता समस्त लैंग्वेज पाखापाखि 22 टी लैंग्वेज रे लैंग्वेज कन्वर्ट करिवार व्यवस्था से आप रे रहिबो तार सूचना दिया जाउछि एठी एवं या सहित आधार टू नहीं कि डिजिटल इंडिया रो मिशन जो भारत वर्ष आरंभ होता से समस्त कथा को ट्री सेप माध्यम रे इनफॉर्मेशन दिया जाउछि जो ब्रिटिश जो विदेश रो गणमाध्यम रहिछन्ते से माने एठू इनफॉर्मेशन तापरे पाई परिबे देखे पई चाहिबी पूरा हॉल रो चित्र मो प्रति बुलेटिन ने आपन को देखेबी कमलाकांत ये गृह रो चित्र वर्तमान शिक्षा मंत्रालय रो एक दीक्षा जो आप लॉन्च हेतला तापर आमे आलोचना करबा तापर से चित्र मो देखे पई चाहिबी आपन देखि परथुबे ये हुची दीक्षा को नेके इन्फॉर्मेशन आपन एठी क्लिक कले कमलाकांत सब पेज खुलिबो जो पेज को आपन जीवा पई चाहिबे जहां इन्फॉर्मेशन पाइबे प्रतिटि पेज जीवो सर क्या बोलना चाहेंगे ये दीक्षा को लेकर यहाँ पे जो शोकेस हो रहा है क्या मैसेज देने चाह रहे हैं G20 के दीक्षा बेसिकली आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से क्लास 1 से लेके क्लास 12 स्टैंडर्ड तक आपको ई बुक्स मिलेंगे जो रूरल एरिया में बच्चे दे कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम द ई बुक्स दे कैन डाउनलोड द वीडियो दे आर द ह्यूज कंटेंट दे आर कोर्सेज क्यूज वीडियो लर्निंग सेंसर दे आर द ह्यूज थिंग फॉर द एजुकेशन पर्पज इंडिया गवर्नमेंट का ये वन नेशन वन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसका मैसेज ये जाता है कि रूरल एरिया में भी जिन गरीब लोगों के पास बुक्स नहीं है वो भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके बुक्स दे सकते हैं और अपना लर्निंग स्किल्स बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पहले वेट करना पड़ता था बुक्स आएगा दुकान पे जाएंगे खरीद के लाएंगे वो सब बैरियर हट गया है। आप ऑनलाइन कभी भी कहीं पे भी जाके अपना बुक्स डाउनलोड करते हैं हर बुक्स के अंदर आप देखेंगे क्यूआर कोड है क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपना वीडियो बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल के अंदर। उसके अलावा भी इसमें हमने एक वीडियो आप देख रहे होंगे एक तारा चैटबोट दिया है जो एआई बेस्ड आपका चैटबोट है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेश्चन है जैसे पहले होता था गांव में जनरली लोगों को क्वेश्चन का सॉर्ट आउट नहीं हो पाता था तो आप यहां पे अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं वीडियो वॉइस मैसेज डाल सकते हैं आप किसी भी क्वेश्चन का क्लिप लेके वो क्लिप को भी डाल सकते हैं तो आपको इमीडिएटली उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कैसे रेस्पॉन्ड आ रहा है दीक्षा को लेकर आप सर कल से काफ़ी हमारे पास लोग आए हैं जो भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स के साथ आए हैं वो हमारे पास आए हैं उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है दीक्षा को लेकर ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स के साथ हमारे मीडिया प्रभारी लोग आए हैं तो उन्होंने भी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है क्योंकि उनका मोटिव ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन फैलाएं अपने कंट्रीज़ में और ये सबसे अच्छी बात है दीक्षा की ये सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और दूसरी बात इस पर आपका डाउनलोड ऑफलाइन मोड में भी आपका चल सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं चलते हैं तो आपके जो शिक्षक हैं या टीचर्स हैं जो वो कहीं पे इंटरनेट जहाँ पे ऑफलाइन में कैसे चलता है गूगल क्रोम में कर रहा हूँ आपके पास हमने दीक्षा के तीन मोड में आप उसको चला सकते हैं पहला जो कि आप वेबसाइट से चला सकते हैं जो कि deeksha.gov.in पे है दूसरा मोबाइल एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन में हमने ऐसा एक प्रबंधन दिया है कि आप एक जितने भी कंटेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट जोन में और बाद में उसको जाके आप कंज्यूम कर सकते हैं जिससे कि आपको फिर इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये एक अच्छा मोटिव होता है लोगों को समझाने का कि आपको इंटरनेट भी जरूरत नहीं है आप आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे टीचर एक सिटी में रहता है शहर में रहता है उसने अपना मोबाइल ऐप में कंटेंट डाउनलोड किया कंटेंट डाउनलोड करने के बाद टीचर स्कूल में गया वहाँ पर उसने जाके सारे स्टूडेंट को वो कंटेंट प्ले करके दिखा सकता है तो वहाँ पर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है ऑफलाइन मोड में भी आप अच्छा काम करता है।
कमलाकांत आपण देखी पड़ते ये जो दीक्षा उपर से माने कहुथले कमलाकांत जे क्लास 1 रो नेकी क्लास 12 तक जो सिलेबस रहुथला आमो समय रे कमलाकांत आमे अपेक्षा करिया पड़थला सिलेबस पुस्तक गुडी को दुकान रे आसीबा आमे दुकान को ही जाके क्रय करथला आ कोनोसी माध्यम नथला किंतु ये एमिति एक ऐप लॉन्च कराई छी जोथरे प्रतिटी सिलेबस आपण को उपलब्ध हबो जेंति सर कहुथले दुईटी मोड रे आपण याकु पढ़ी परिबो ऑफलाइन रे मध्ये पढ़ी परिबे ऑनलाइन रे मध्ये पढ़ी परिबे जो रिमोट एरिया रही छी ओडिसा रे मध्ये मालकानगिरी कोरापुट कोंतु मयूरभंज कोंतु एमिति अनेक जगह थिला पूर्वरु किंतु वर्तमान इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ुची किंतु अनेक समय रे जदि भी कोनो इंटरनेट प्रभावित होउची आपण को अंचल रे जदि आपण आप थिबो आपण पाखरे आप रे आपण ताकु ऑफलाइन मोड रे मध्ये पढ़ी परिबे बहुत हेल्पफुल हबो टीचर मानक पई एवं समस्त शिक्षक मानक पई ये एजुकेशन मिनिस्ट्री रो ये पक्षरु ये इनिशिएटिव नि आइछि जेमते से कहुथले विभिन्न कंट्री रो जो रिप्रेजेंटेटिव रहिछन्ती जो गणमाध्यम रहिछन्ती से माने जानिया पई चाहुछन्ती ताक कंट्री रे एमते सिस्टम लागू करिया पई मध्ये से माने उत्सुकता देखुछन्ती निश्चित भाबे ये गुटे बड़ इनिशिएटिव मु कहिबी एवं याकु G20 रे मध्ये प्रदर्शित करा जाइछि।